एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो मुझे प्लेन्स उड़ाना बहुत ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा कि मैंने लिटरली प्लेन्स उड़ाने के लिए ये महंगा वाला फ्लाइट सिमुलेटर कंट्रोल्स खरीद कर रखा है। और मेरे मम्मी को नहीं पता है कि इतना ज्यादा महंगा है, तो श्श, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, सब मुंह बंद रखने का। अगर ये बात मम्मी को मालूम पड़ गया तो घर जाएगा मेरा। तो कल मैं मेरे आरसी कार के साथ खेलने के लिए सोच रहा था कि यार मैंने आरसी कार चलाया है, आरसी टैंक चलाया, मैंने रिमोट कंट्रोल ड्रोन उड़ाया है, और अभी अगर मुझे रिमोट कंट्रोल टॉय में कुछ चलाना है तो वो है एक रिमोट कंट्रोल प्लेन। और अगर मैं सच बताऊं तो बचपन में रिमोट कंट्रोल प्लेन मैंने टॉयज के दुकान में बहुत बार देखा है, और मुझे पता है वो इतना ज्यादा महंगा होता है कि मैंने कभी बोला ही नहीं कि मेरे को ये दिला दो, मेरे को पता है मुझे नहीं मिलने वाला है। इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि हम लोग चलने वाले अमेज़न पर और ऑर्डर करने वाले एक रियल आरसी प्लेन। ओके, सो रिमोट कंट्रोल प्लेन डालने पर नीले पीले ऐसे रिमोट कंट्रोल प्लेन आ रहे हो। एक सेकेंड भाई, ये एयरबस A380 है। ये जो प्लेन है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैसेंजर प्लेन है, और इसका प्राइस देखो गाइस, A380 दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, और ये एयरक्राफ्ट मेरा सबसे फेवरेट एयरक्राफ्ट है, और इसमें बैठना मेरा सपना है, बट इतना महंगा आरसी प्लेन मैं नहीं खरीद रहा, मुझे भरोसा नहीं है। प्लेन उड़ाऊंगा, प्लेन नदी में जाके गिर जाएगा, 15,000 रुपए लिटरली पानी में जाएंगे। पर ना मुझे एक्चुअली जानना है कि अमेज़न पे सबसे ज्यादा महंगा आरसी प्लेन कितने का है। ओ, 1,00,000 रुपए का रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर, इसमें सच्ची घर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 22,000, 30,000, 21,000 के प्लेन्स हैं। बट आई थिंक आज के लिए हमें कोई सस्ते वाले आरसी प्लेन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यार मेरे को अभी तक प्लेन उड़ाना आता भी नहीं है। सो हम लोग आज ऑर्डर करने वाले ये वाला आरसी प्लेन, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं महंगा वाला आरसी प्लेन ट्राई करूं तो मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ। ऑलराइट, ऐड टू कार्ट, चेक आउट, और ये ऑर्डर हो गया। भाई आज मेरा बचपन का सपना पूरा होने वाला है यार, बचपन से मेरे को यार आरसी प्लेन चलाने का था। ऑलराइट, ऑर्डर डन, अब वेट करते प्लेन के आने का। ऑलराइट गाइस, तो बहुत दिनों के वेट के बाद हमने जो आरसी प्लेन ऑर्डर किया था वो फाइनली यहां पर आ चुका है, और ये डब्बा कुछ ज्यादा ही हल्का है, मतलब ये डब्बा पकड़ के मेरे को लग रहा है इसके अंदर प्लेन है ही नहीं। क्या इसके अंदर प्लेन है, या आपने वो जड़ा बना, इसके अंदर प्लेन नहीं है। लिटरली गाइस, ये अपने आरसी प्लेन का डब्बा है जो आके अभी डिलीवर हुआ है, और ये डब्बा इतना हल्का है, इसको मैं इसको एक उंगली में ऐसा पकड़ सकता हूँ। खत्म, गया। ऐसा नहीं पकड़ने का था। आई होप सो इसके अंदर कुछ टूटा बीटा नहीं है, प्लीज अंदर कुछ टूटना नहीं, सुन के लग तो नहीं रहा है कुछ टूटा है। पर गाइस, ये डब्बा इतना ज्यादा हल्का है आरसी प्लेन का, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो फोन है वो इससे ज्यादा भारी है। फोन छोड़ो यार, एक पेपर इससे ज्यादा भारी है, ये कुछ नहीं है। आई होप सो ये डब्बा खोलने के बाद मैं अंदर स्कैम ना हो जाऊँ, कि मालूम पड़ा डब्बा खोला, आरसी प्लेन है, आज प्लेन उड़ाएंगे, डब्बा खोला अंदर कुछ नहीं, प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए आज। ऑलराइट गाइस, तो ये है अपना आरसी प्लेन का बॉक्स, और इसके अंदर अपना आरसी प्लेन है जिसको अपन आज उड़ाने वाले हैं। यार बचपन का मेरा प्लेन उड़ाने का सपना आज पूरा होने वाला है, बचपन से ये मेरे को प्लेन चाहिए था, कभी मिला नहीं, पर आज फाइनली आज हम लोग ये वाला प्लेन उड़ाने वाले। तो ये डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है ZY530 Pro इजी टू फ्लाई, यस वेरी गुड, ZY530 यहाँ पे स्पीड प्लेन लिखा हुआ है, और डब्बे के यहाँ पे नीचे 2.4 GHz का वाईफाई का सिग्नल है, क्यों क्या है मालूम नहीं, और ये बाजू में कुछ तो गोल गोल है, इसका भी क्या होता है मेरे को मालूम नहीं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टंट फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, कुछ तो वार्निंग दिया हुआ है, प्लीज कीप योर पार्ट्स ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम द प्रोपेलर व्हेन प्रोपेलर इज रोटेटिंग। ऑफ कोर्स ये ना थोड़ी कि मैं घुसा देगा कुछ भी इसके प्रोपेलर के अंदर। बड़े डब्बे के अंदर यहाँ पर एक बंदा ऐसा प्लेन को उड़ा रहा है, और यहाँ पे दो बच्चे प्लेन के पीछे भाग रहे हैं। यूजुअली हमारे इधर जब गाड़ी जाता है बच्चे गाड़ी के पीछे भागते हैं, पर ये डब्बे को देख के लग रहा है कि आज बच्चे प्लेन के पीछे भागेंगे। और गाइस अगर ये चीज सच हुआ तो मालूम पड़ा मैं आज ऐसा प्लेन मस्त उड़ा रहा है, उसके लिए 10-12 बच्चे भाग रहे हैं, ऐसा प्लेन रस्ते के यहाँ से वहाँ उड़ के गया, पीछे 10 बच्चे भाग भाग के आ रहे। प्लीज बच्चे लोग प्लेन के पीछे मत भागना। डब्बे के ऊपर यहाँ पे मस्त कबूतर बना के रखा है, ये देखो कबूतर की मम्मी, कबूतर की बच्ची, और ये होगा कबूतर के बच्चे का बच्चा, वो बच्चे के बच्चे का बच्चा, चार कबूतर ऐसा मस्त बैठा है, इधर उधर देख रहा है, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा प्लेन उनके तरफ आ रहा है, वेरी नाइस। ओके, तो डब्बे के ये साइड में रेड कलर का प्लेन बना है, पीछे ब्लू कलर का प्लेन बना है, मेरे को मालूम नहीं मेरा प्लेन कौन से कलर का निकलेगा, बट यहाँ पे ऐसा बहुत सारा कलर दिया अलग अलग, ऐसा रेड ब्लू येलो, ये तो भाई ग्रीन, ये तो अबे यार ये दोनों क्या मस्त लग रहा है। आई होप सो मेरा प्लेन ये दो कलर में निकले, मतलब एक बार ये दो कलर नहीं आया तो मेरे को येलो भी चलेगा रेड भी चलेगा, पर ये ब्लू भाई बहुत ज्यादा गू लग रहा है, ये ब्लू कलर बहुत अति गू, मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसा प्लेन को लिया और प्लेन के ऊपर ऐसा फुल लिक्विड में ऐसा फचक करके हक्के प्लेन बना के दे दिया, बहुत गंदा कलर लग रहा है। और ये प्लेन का कंट्रोलर है, और प्लेन का वजन कुछ 68 ग्राम्स है, जिससे अपने को लेना देना नहीं है। इधर बाजू में क्या है, इधर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेबल एज ओवर 14 ईयर्स ओल्ड, यस
यस गाइस, मैं 14 इयर्स के ऊपर हूँ, मेरा एज 14 से ज्यादा है, तो मैं इसके साथ खेल सकता हूँ। यस ऑल राइट गाइस, तो जल्दी चल के प्लेन को अनबॉक्स करते हैं। ये रहा अपना आरसी प्लेन, और आज एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यूजुअली मेरे साथ यहाँ पे गोटिया होता है जो वहां पर बैठा रहता है और मेरे को वीडियोस रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, पर अनफॉर्चुनेटली आज गोटिया हमारे बीच नहीं है। मेरा मतलब समर वेकेशन में गया है, छुट्टी विट्टी चालू हो गया, उसको घूमने आने का था तो घूमने चला गया गोटिया। तो एनीवे आज गोटिया नहीं है, आज मेरे को अकेले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अकेले डब्बा खोलना पड़ेगा, सब कुछ मेरे को आज अकेले करना पड़ेगा। ऑलरेडी कैमरा को धक्का मार दिया मैंने। ओह बाय द वे गाइस, क्या तुम लोग को मालूम है अपना जो ये चैनल है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स की बस तुसा करीब है। ज्यादा नहीं, बस 5.5 मिलियन चाहिए, जिसका मतलब ये जो डायमंड प्ले बटन है वो लिटरली वहां पे लगते लगते बचा हुआ है। तुमको क्या करना है, नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, उसको जोर से मारना, उसको मारते जो डायमंड प्ले बटन पटाख से दीवार पे लग जाएगा। वेरी नाइस। और अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो, आज के वीडियो का लाइक रखते हैं 50,000 लाइक्स का। जल्दी चल के अनबॉक्स करते, देखते अपना प्लेन कैसा है, ये कैसे उड़ेगा। इसको अपन खोल लेंगे और इसको निकालने के लिए ऐसा करके कैसा निकलता है रे, इसको ऐसा। ओके, अपन ने डब्बे से प्लेन को बाहर निकाल लिया। ऑल राइट, सो ये रहा अपना आरसी प्लेन, और ये प्लेन साला ब्लू कलर का मिला, जो कलर मेरे को सबसे ज्यादा गंदा लगा, जो कलर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये प्लेन वही कलर का बाहर निकला। ये ब्लू कलर का प्लेन क्यों यार, रेड कलर दे देते, कितना मस्त दिख रहा है, देखो रेड कलर, देखो एक बार ये रेड कलर के प्लेन को देखो यार, कितना मस्त दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, ये देख के लग रहा है भाई आरसी प्लेन, और ये क्या है यार, ये अपना सबसे पहला आरसी प्लेन है, यही अपना आरसी प्लेन उड़ाएंगे। और मैंने अभी एक चीज नोटिस किया कि ये आरसी प्लेन थर्मोकोल का बनाया है, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पैकेजिंग जो थर्मोकोल का है ये सेम थर्मोकोल का प्लेन है। तभी सोचो डब्बा इतना हल्का क्यों है, प्लेन का वजन ही नहीं है, ये प्लेन लिटरली भाई ये प्लेन से हैवी तुम्हारा एक पेज होता है। बट एनीवे यार, ये अपना आरसी प्लेन है, इसको साइड में रखते, देखते डब्बे अपने को क्या मिला है। दो डब्बे अपने को मिला है, कुछ किताबें जिसमें लिखा है कि डब्बे के अंदर क्या क्या है, और इसके अलावा यहाँ पर अपने को एक मस्त रिमोट कंट्रोल मिला है। अरे बाहर निकल, ये रहा अपना रिमोट कंट्रोल। और अबे ये टूटेला है क्या? ओके, आई थिंक सो, ये टूटा हुआ नहीं है। जितना मैं प्लेन्स के बारे में जानता हूँ वो जान के मेरे को लग रहा है कि ये टूटा हुआ नहीं है, ये शायद से ऐसा ऊपर करने में प्लेन का स्पीड बढ़ेगा, ऐसा नीचे करने से प्लेन का स्पीड कम होएगा, मतलब इसको सेट करके रख देने का, इसको ऊपर कर दिया प्लेन फुल स्पीड में आगे जाएगा, और इस बटन से हम लोग ऐसा घुमा के प्लेन को लेफ्ट राइट में कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलर के अलावा यहाँ पर एक थैली दिया है, थैली के अंदर ये क्या है, दो ये क्या है, ये अच्छा, ये आई थिंक प्लेन के इधर लगने वाला है। ओके, तो उसके अलावा यहाँ पर एक मस्त सा पेनड्राइव दिया है, जो पेनड्राइव में पता नहीं क्या है, पेनड्राइव के अंदर एक पेनड्राइव भी दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ये आई थिंक प्लेन का बैटरी है, भाई प्लेन का बैटरी बहुत हल्का है, और ये प्लेन के प्रोपेलर्स है शायद से, और ये क्या है, फिर वो खोल के देखते हैं इसको। ओके, सो प्लास्टिक सब कुछ बाहर निकाल लिया अपन ने, ये जो है ये आई थिंक प्लेन के पीछे यहाँ पे लगेगा। ओके, ये कुछ तो है, ये मेरे को लग रहा है इधर ही कुछ तो ऐसा लगने वाला है, कहीं तो लगेगा मेरे को पता नहीं। और ये कुछ प्लेन के चक्के वक्के दिए, और यहाँ पे दो इन्होंने एक्स्ट्रा पंखे दिए। सो ये जो प्लेन है, अगर तुम इस प्लेन को देखोगे तो प्लेन के यहाँ पे पीछे दो पंखे लगे हुए हैं, और मेरे को लग रहा है इन्हीं दो पंखे के मदद से प्लेन उड़ने वाला है। और नीचे के साइड में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ तो तार वार लगा हुआ है यहाँ पे, अपने को शायद से बैटरी इसके अंदर डालने का है, और इससे प्लेन चालू बंद होगा। और मेरे को लग रहा है जो अपने को चक्के दिए, ये चक्के जो यहाँ पे इसके अंदर है, उसको अपने को प्लेन के नीचे लगाने का है। ऑल राइट गाइस, अभी मेरे को प्लेन में ये सब चीजें लगाने का है, और ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, और गोटिया भी इधर नहीं है, तो पूरा रिकॉर्डिंग भी मुझे करना है, लगाना भी मुझे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मदद मंगाया। ऑल राइट गाइस, हेल्प कमिंग इन 3, 2, 1। ऑल राइट, हेलो, तुम लोग कैसे आसमान से टपके क्या तुम लोग दोनों? ऐसा छबड़े से गिरे तुम लोग, ऐसा हेलीकॉप्टर से, डोरेमोन हो क्या, बम्बू कॉप्टर लगा के आ गए। ऑल राइट गाइस, तो तुम लोग को पता नहीं क्या हो रहा है, तुम लोग बता दू, यहाँ पे मैंने मंगाया ऐसा मस्त सा आरसी प्लेन, ये तो थर्मोकोल का है। हाँ तो उड़ने के लिए थर्मोकोल का होना है, लोहे का थोड़ी उड़ेगा पागल आदमी, बहुत ही हल्का है वो प्लेन के नाम पे कलंक है, बता तेरे को। और ये कलर क्या मिला है तुझे? अबे यार कलर का बात मत करो यार मेरे से, पता है मैं अभी जस्ट बोल रहा था कि मेरे को रेड चाहिए, येलो चाहिए, और दिखला तो दिखला ये ब्लू वाला ब्लू कलर छी। ऑल राइट, तो भाई लोग अपने को सबसे पहले ना इधर अपने को पंखा लगाने का है, जो तुम लोग के हाथ में एक एक है, वो अपने को ऐसा लगाने का है। हाँ, उससे मेरे को लग रहा है प्लेन ऐसा मस्त वाला उड़ेगा,
वो लग गया, वेरी गुड, यस वेरी नाइस, ओके, ऑल राइट। सो गाइस अभी यार प्लेन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, अभी ये देख के एक्चुअली प्लेन लग रहा है, पर अभी ये प्लेन में एक चीज मिसिंग है। ओके, तो दुर्गे अभी ये जो है ना ये अपने को नाक पे लगाने का है, तो ये नाक पे एक बार लग गया तो प्लेन अबे इसके नाक पे पागल आदमी डब्बा फेंक के मारता तेरे को। ओके गाइस अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रोपेलर गार्ड है ये इसके यहाँ पर कैसे लगेगा। कुछ लिखा है क्या इधर? कुछ नहीं है, किधर भी कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं है। बट पता है मैंने क्या डिस्कवर किया पता है? ये प्लेन के इधर ना एक ऐसा छोटा सा खड्डा है, जो खड्डे के इधर लिखा है कैमरा। मतलब भाई ये प्लेन में हम लोग कैमरा लगा सकते हैं? सारा ये प्लेन खुद है भाई, 1 ग्राम का प्लेन। कैमरा तो इससे वजन होगा भाई, इस पे कैमरा डालेगा तो क्या होगा? कैमरा डालेंगे तो उड़ पाएगा ये? मेरे को नहीं लगता है, मेरे को पता भी नहीं इसमें कौन सा कैमरा जाएगा पहली बात। बट यार अभी तक अपने को समझा नहीं ये प्रोपेलर गार्ड इस पे कैसे लगेगा, अपने को वो फिगर आउट करना है। तब तक दुर्गा देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे। अबे लॉलीपॉप नहीं है वो, प्लेन में लगा देखा, ये हर चीज को खेलने को आया यार ये। अबे पर ये पेन ड्राइव में क्या है रे? गाने बजाने के लिए, गाने। अच्छा मतलब प्लेन में गाने बजाने का, धूम मचा ले ऐसा बजाने का, पैसेंजर्स के लिए एंटरटेनमेंट, पैसेंजर्स को सुनाएंगे धूम मचा ले धूम प्लेन के अंदर। वेरी गुड। ऑलराइट गाइस अपने को समझा नहीं प्रोपेलर कैसा लगता है, तो अपन ने चक्का लगाना चालू कर दिया गाड़ी में, एटलीस्ट चक्का, सॉरी प्लेन में एटलीस्ट चक्के लग गए पहले। तेरे को समझा चक्के कैसे लगते हैं? हाँ थोड़ा सा अंदर डालना होता है वरना चक्का बाहर। ओके अपने प्लेन में चक्के लग गए, अबे उल्टा लगा इसको। हाँ अभी ऐसा लग रहा है प्लेन ना ऐसा टेक ऑफ करेगा, लैंडिंग करेगा। अरे वो मोटर पे लगाने का आगे। हाँ ऐसा, वेरी गुड, ये बैटरी लगाने का है, और बैटरी लगाने के बाद अपना ये प्लेन तैयार हो जाएगा उड़ने के लिए। और इसको हम लोग घर में उड़ा सकते हैं क्या इधर? मतलब उड़ाने के लिए इसको बाहर जाना पड़ेगा। ये चॉकलेट की तरह लग रहा है ना? खा ले इसको आज। ये लगता है गिर गया था आते आज रास्ते में कहीं तो। ओके गाइस तो अपन ने पूरा प्लेन को तैयार कर लिया, इसका प्रोपेलर गार्ड लग गया, चक्के लग गए, अंदर के बैटरी लग गए, रिमोट कंट्रोल के अंदर बैटरी लग गए। अभी टाइम है प्लेन को ऑन करने का। ऑलराइट इन 3 2 1। अबे भाई ये तो हैप्पी दिवाली प्लेन है। अबे कितने सारे लाइट है, ऊपर भी लाइट है इधर भी लाइट है। और भाई इसको पकड़, ऐसा पकड़ 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 पकड़। और अगर अपन इसको चालू कर दे भाई बहुत पावर है भाई। अभी क्या हवा आ रहा है गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हवा रही है। देखो ये देखो भाई इससे कितना हवा आ रहा है। अगर ये ब्लेड को मेरे मुंह की तरफ रखूं और इसको चालू करूं, ओ भाई भाई क्या हवा आ रहा है इससे भाई मस्त यार। भाई गर्मी के टाइम पे अगर तुमको पंखा चाहिए आरसी प्लेन खरीद लो, ऐसा चलाओ पंखे का स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो, कितना स्पीड चाहिए। देखो एक इम्पोर्टेंट चीज देखना है कि अगर हम लोग इसको घुमाएंगे तो क्या आएगा। ओके इसको घुमाने पे वो पंखा ही घूमता है आई थिंक, उसके मदद से ये टर्न मारेगा। और ये क्या करता है, ये बटन क्या करता है? बटन कुछ नहीं करता है, नहीं इससे आवाज आ रहा है पर वो बटन से कुछ हो नहीं रहा है। ऑलराइट गाइस तो अभी जो अपना ये आरसी प्लेन है, ये आरसी प्लेन को अपन घर पे तो नहीं उड़ा सकते। क्या कर रहा है तू प्लेन को लेके? इसको इग्नोर मारो गाइस। तो मैं कह रहा था कि हम लोग ये जो आरसी प्लेन है इसको घर पे तो नहीं उड़ा सकते, तो इसको उड़ाने के लिए हम लोग जाने वाले घर के बाहर। गाइस चलते घर के बाहर। तो गाइस हम लोग ये प्लेन उड़ाने नीचे आए और नीचे इतना ज्यादा हवा चल रहा है कि अपना प्लेन लिटरली ऐसे खड़े खड़े, ये देखो प्लेन ऐसे खड़े खड़े उड़ रहा है। ये देखो प्लेन का हालत देखो, ये प्लेन कैसे उड़ेगा? लिटरली प्लेन ऐसे ही उड़ रहा है। और हम लोग सोच के आता प्लेन उड़ाएगा, आसमान में उड़ाएंगे, घूमेंगे, मजे करेंगे, पर प्लेन इधर ही हिल रहा है, इतना हवा है अचानक से। तेरे को लगता है प्लेन अपना जुड़ेगा? हवा देख, वो पीछे झाड़ देख, वो पीछे का झाड़ देख, वो झाड़ का हालत देख, कैसा प्लेन उड़ेगा अपना आज, कैसा प्लेन उड़ेगा अपना, जल्दी हवा बंद कराओ। पर गाइस हवा चलने से हमको फर्क नहीं पड़ता, हम लोग आज प्लेन उड़ाने आए थे, हम लोग आज प्लेन उड़ा के घर वापस जाएंगे। चल रहे जल्दी प्लेन उड़ाएंगे अपन आज। ओके गाइस देखो तो अपन ने ना प्लेन को अभी तक एक बार भी नहीं उड़ाया, तो अपने को मालूम नहीं कि प्लेन उड़ता है कि नहीं उड़ता। अपने को इतना मालूम है प्लेन का पंखा चलता है, हवा आता है, गर्मी के टाइम मजा आता है, पर पता नहीं अपने को प्लेन उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो सबसे पहले मेरे को लग रहा है अपने को ना छोटा सा टेस्ट करना चाहिए कि क्या प्लेन सीधा ऐसा ऐसा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा।
करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी करते हैं। क्या तूफान है भाई, ये प्लेन इधर ही हिल रहा है, इसको कैसे उड़ाएंगे हम लोग आज? आज ये तूफान आना था, आज ये ऐसा हवा आना था इतना जोर जोर से। भाई प्लेन अपना कम से कम 3 या 4 बार ऐसे ही पड़े पड़े क्रैश हुआ है, ये कम से कम अभी 5वां बार निकला है ना आज। मेरे को मुश्किल लग रहा है मेरे को आज उड़ाना। तो प्लेन ऐसा लेके ऐसा उड़ाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा किसके? हाँ भाग दूर, भाग भाग जा, भाग जा प्लेन लेके भाग जा। भाई माइक जाता, भाई अभी माइक जाता। सो ऑल राइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। हमने हमारा आरसी प्लेन को आज उड़ा लिया है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मजाक कर रहा हूं, प्लेन उड़ाते सच्ची में अभी। ऑल राइट गाइस, तो अपना प्लेन भी ऑन है, अपना रिमोट भी ऑन है, अभी अपने को प्लेन को उड़ाने का है। अपना आज का सबसे पहला चैलेंज जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, अपने को प्लेन को बस सीधा उड़ाने का इधर से उधर तक बिना हवा है। और दूर गया, अगर प्लेन वो छपड़े में आके अटका तेरे को फेंकेगा उड़ा के उधर में। ओके चलो रेडी, ओके 3 2 1। क्या हुआ, भागो प्लेन को, क्या हुआ प्लेन को, क्या हुआ? Okay. अरे उधर इधर ये देखिए, इधर गया, अरे कचरे में गिर गया। ऑल राइट गाइस, ट्रायल नंबर 2 दुर्गा। इस बार ना जब हवा कम होएगा तभी उड़ाने का। लास्ट टाइम मेरे को लग रहा क्या हुआ था, हवा ऐसा बहुत जोर से आता प्लेन को तो फेंक दिया अपन ने अभी। ठीक है, तो प्लेन तैयार है, प्लेन ऑन करना। चालू नहीं, रुक जा। तो अपन क्या करते, पहले अपन इसका ब्लेड चालू करते हैं, ब्लेड फुट 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 घूमेगा फिर फेंकेंगे। ठीक है, हवा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके 3 2 1 गो। भाई इसका बैटरी बाहर आ गया। भाई ये प्लेन का वेट क्या है यार, प्लेन का वेट क्या, 80 ग्राम का प्लेन नहीं है ये। बैटरी डालने का सब निकल गया भाई, ये देख सब कुछ निकल गया। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इधर प्लेन सही से नहीं उड़ रहा है, मतलब ये जगह का ही प्रॉब्लम है, समझा? ये जगह ही प्रॉब्लम है, अपन थोड़ा आगे जाएंगे। अभी देख, पता है मेरे को, पता है क्या लग रहा है, अपना प्लेन पता है क्यों नहीं उड़ रहा है? क्योंकि देख, जब तू यूजली कोई प्लेन उड़ाता है ना, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मस्त प्लेन रनवे पे जाता है, ऐसा रनवे पे चलता है, फिर प्लेन उड़ता है, बराबर? हम लोग वो नहीं कर रहे, ये क्या चिंदगी है, अपन प्लेन को ऐसा फेंक रहे हैं, प्लेन जा रहा है, नहीं प्लेन को पूरा रनवे से जाना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, तो अभी अपना प्लेन रनवे पे पूरा तैयार है, वो थोड़ा प्लेन ज्यादा एक्साइटेड उड़ने के लिए, तो जल्दी प्लेन को उड़ाते हैं। 3 2 1 गो। अरे सच्ची उड़ा, सच्ची उड़ा, मजाक भी नहीं कर रहा भाई, क्या बस लैंड गया। दुर्गा मैं क्या बोला तेरे को, मैं क्या बोला तेरे को, वही करना चाहिए अपने को, वो टेक ऑफ कर रहा है सच में। ऑल राइट गाइस, टेक नंबर 2, प्लेन को अभी रनवे से प्रॉपरली टेक ऑफ कराएंगे वंस मोर टाइम। ऑल राइट गाइस, प्लेन टेकिंग ऑफ इन 3 2 1। सही से उड़ा एटलीस्ट, ठीक है सही से उड़ा इस बार। अबे एक साइड का चक्का गायब है, अबे चक्का गायब है, चक्का किधर गया, एक साइड का चक्का ढूंढो भाई, इधर है प्लेन का चक्का किधर गया, मिल गया उधर ही है। अबे अबे फ्लैप उड़ गया, अबे ए बंद हो जा बे। अबे यार कितना हवा है यार, इतने हवा प्लेन उड़ाने हम लोग आए ऊपर से, क्या अब ये प्लेन उड़ेगा? ओके 3 2 1 मैं सोच रहा हूँ अब तक प्लेन टूटा कैसे नहीं, तू क्या ढूंढ रहा है? दूसरा प्लेन पे लगा है, बोलता है दूसरा किधर गया नुबड़ा। तो गाइस हमने एक चीज डिस्कवर किया, हवा जो है ना उधर से इधर आ रहा है और अपन येड़े ऐसा उस तरफ उड़ा रहे हैं। अभी क्या करेंगे, अपन ना प्लेन को लेके उधर जाएंगे और उधर से प्लेन को इस तरफ उड़ाएंगे। चल दुर्गा, व्हाई आर वी स्टिल हियर जस्ट टू सफर। ऑटो वाला अंकल उड़ा दो उसको, अंकल उसको उड़ा दो। ऑल राइट गाइस, अभी प्लेन को हम लोग इधर से वो साइड उड़ाने वाले हैं, होपफुली प्लेन सही से उड़ेगा। ओके 3 2 1 गो। मेरे को लगा था मैंने रिमोट कंट्रोल प्लेन ऑर्डर किया, मालूम पड़ा रिमोट कंट्रोल कार निकला है, तो जमीन पे चल रहा है, उड़ने को तैयार नहीं है। भाई वो प्लेन अब तक टूटा कैसे नहीं, वो प्लेन थर्मोकॉल का बना है, थर्मोकॉल ऐसे 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 थप्पड़ मारने में टूट जाता है। प्लेन की नाक कट गई गाइस, भाई एक्चुअली ये देख नाक देख, ऐसा देख, ऐसा अंदर घुस गया नाक।
सो ऑलराइट गाइस, उस दिन वहाँ पे बहुत ज्यादा हवा था और हवा के साथ साथ वहाँ पे अपना जगह भी नहीं था, तो आज हम लोग एक दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं और उसके बीच में हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग यहाँ पे प्लेन उड़ा के ट्राई करने वाले हैं। सो ये रहा अपना आरसी प्लेन, ये रहा अपना आरसी प्लेन कंट्रोल, और आज अपने पास यहाँ पे इतना बड़ा खुला स्पेस है, तो देखते हैं अपना आरसी प्लेन उड़ पाता है कि नहीं उड़ पाता है। पता है मेरे को पता है क्या डर लग रहा है कि अगर अपन आरसी प्लेन को ऐसे खुले जगह में उड़ाएंगे ना, ये कहीं भी उड़ के गायब हो जाएगा और अपने को प्लेन वापस मिलेगा ही नहीं। हाँ, इसीलिए ये जगह अच्छा है क्योंकि यहाँ पे नेट है, कुछ भी नहीं होगा। तो ऑलराइट गाइस, जल्दी चल के प्लेन को यहाँ पे उड़ा के ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या अपना प्लेन यहाँ पे सही से उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। क्या आता था, उड़ेगा उड़ेगा यहाँ पे तो उड़ जाएगा। ऑलराइट गाइस, कंट्रोल तैयार है, प्लेन तैयार है, क्या अपना प्लेन टेक ऑफ करेगा? 3, 2, 1। जगह से ही नहीं गिरा, मतलब फेंकना पड़ेगा अपने को। ऐसा चल के टेक ऑफ नहीं करेगा, नहीं फिर से ट्राई करेंगे। ओके, 3, 2, 1 गो। थोड़ा सा क्या मजा आएगा, तो फेंकना पड़ेगा इसको। ऑलराइट गाइस, प्लेन हाथ में, कंट्रोलर हाथ में, मेरे को भी एक हाथ से फेंकना है, एक हाथ से उड़ाने का है। 3, 2, 1। आरसी प्लेन सच्ची उड़ेगा क्या यार? एक तो इतना थर्मोकोल का हल्का सा प्लेन है। ऑलराइट गाइस, ट्रायल नंबर 2, क्या इस बार उड़ेगा? उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, वो देख। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हम लोग लिटरली खुले में नहीं उड़ा रहे थे, ये डर से कि प्लेन कहीं बाहर ना चला जाए, तो प्लेन उधर ही अटक गया। ओ निकला, निकला। ओ भाई, पर उड़ा नहीं गया प्लेन, इस बार अच्छे से उड़ा, पर उड़ के अटक गया। भाई ये अभी तक का जेन्युइनली सबसे बेस्ट फ्लाइट था, पर अभी एक और ट्राई करते, क्या इसमें उड़ेगा? अभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, एक्चुअली उड़ रहा है, बट उड़ा भाई इस बार बहुत देर तक उड़ा। पता है प्रॉब्लम, पता है क्या हो रहा है? प्लेन ऐसा ऊपर जा रहा है, पर ऊपर जाके ना प्लेन ना कंटिन्यूअसली ऐसा उसका नोज अप हो जा रहा है ना, कुछ तो अपने गड़बड़ किया है क्या? हवा के वजह से अपन ने कुछ गड़बड़ किया है? नहीं नहीं, हवा के कारण ही हो रहा है, पर उसका नोज अप हो रहा है कंटिन्यूअसली, पर उड़ रहा है। इस बार अच्छे से उड़ा प्लेन अपना, मस्त उड़ा प्लेन। भाई मेरे को मजा आ रहा है, फिर से उड़ाएंगे अभी। ऑलराइट गाइस, वन मोर ट्राई। वो देख कैसा आसमान में जा रहा है, वो ऊपर गया था, रिकवरी अच्छा हुआ, पर नीचे आके पंख भी बाहर निकल गया इस बार तो। भाई मेरे को लगा था प्लेन टूट गया, बट अच्छा प्लेन है, इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, टूटा नहीं अभी तक सही चल रहा है। भाई मेरे को अभी मजा आ रहा है, पर पता है ये लफड़ा हो रहा है हवा की वजह से। क्या हो रहा है ना, प्लेन टेक ऑफ करते ना फट से ऐसा डायरेक्ट ना, वेट के कारण हो रहा है प्लेन ज्यादा। हाँ, थोड़ा सा वेट होना चाहिए इसमें, तो हवा के काउंटर कर पाएगा। अभी क्या हो रहा है, उड़ रहा है, बट उड़ के ना प्लेन ना ऐसा हो जा रहा है, पूरा ऐसा, और प्लेन ऐसा ही ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसा स्ट्रेट जाएगा, टर्न मारेंगे, वो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, टर्न मारो, ठीक है, मैं ना शायद से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, ऐसा थोड़ा नीचे फेंक के ट्राई करता हूँ, ठीक है? ओके, 3, 2, 1। भाई टुकड़े टुकड़े बाहर आ गए इस बार तो। ऑलराइट गाइस, मैंने बहुत उड़ा लिया, अभी ओमकार ट्राई करेगा, ओमकार ले। क्या तेरे को लगता है तू उड़ा सकता है? ट्राई करते भाई, मैं जा रहा हूँ अभी। देखो क्या है, बताया कैप्टन को जोर से हगने आया, तो कैप्टन हगने जा रहा है अभी, को पायलट पे उड़ाएगा। ओके, ये लो, क्या तू उड़ा सकता है? ओके, लेट्स सी। कैसा वो तो बता पहले, कैसा को पायलट बनेगा? तेरे को उड़ाना नहीं आता है? समझ गया, समझ गया, समझ गया। ये देख, ये देख, कंट्रोल दिखा, ये ऐसा इंजन का पावर, ठीक है, इससे आगे पीछे जितना पावर चाहिए, और इससे लेफ्ट और राइट, पर तेरे को लेफ्ट राइट का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लेन ऐसा, हाँ हाँ, बंदे लेके नहीं जाएगा, ऐसा उड़ के आप नीचे गिरने वाला है, तो देखो जरूरत नहीं पड़ेगा उसका। सो गाइस, यहाँ पे पायलट चेंज किया अपन ने, देखते अभी कैसा उड़ता है। रेडी, इंजन ऑन। मेरा गलती नहीं है इसमें, कुछ मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद गया उधर। अभी वो लिटरली जाके अटक गया, तेरे को पता है जब लास्ट टाइम अटका था ना, बस थोड़ा सा अटका था। अभी वो कैसा अटका फिर? पूरा चक्का अटक गया लगता है, उसका चक्का अंदर ही घुस गया है भाई, गिर जा नीचे, उसको निकलना है कैसा? ये गिर रहा, रुक जा, अटक गया अच्छे से, पीछे अटक गया है अपना प्लेन, ऐसा ऊपर अटक गया। और अभी अपने को प्लेन को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम बुलाना पड़ेगा। रेस्क्यू टीम का जरूरत है? रेस्क्यू टीम किधर है? आएगा आएगा, कॉल कॉल करते हैं रेस्क्यू टीम को। करते रहे ऐसे ही, बहुत ज्यादा गंदा अटका है, मेरे को लग रहा है अभी स्पाइडरमैन को बुलाना पड़ेगा। अरे वो अपना इंडिया का नया स्पाइडरमैन है ना,
पवित्र पवित्र को बुलाओ ना, कोई पवित्र आके निकाल सकता है। पवित्र अभी पवित्र गया रहेगा मल्टीवर्स में घूमने को, अभी बिजी आदमी बन गया। पहले मस्त घूमता था मुंबई में, ऐसे ही लटकता रहता रहा इधर उधर, अभी गया उधर का हिल भी नहीं रहा है। वो जो चक्का अटका है वो हिल ही नहीं रहा, बाकी पूरा प्लेन हिल रहा है। अच्छा निकलेगा क्या? निकल के मेरे पे आड़ आ रही। गाइस अपन ने बिना पवित्र के प्लेन, अच्छा रुक जा, प्लेन निकाल तो लिया, प्लेन का नाक, ओ उधर है प्लेन का नाक। गाइस देखो अभी ना अपन ने थोड़ा साइंस समझा, ठीक है? अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अपन प्लेन को उधर से इधर उड़ा रहे थे, पर अपने को मालूम पड़ा कि जो हवा ये इधर से उधर जा रहा है, तो इतने टाइम तक अपन हवा का उल्टा उड़ा रहे थे, इसलिए प्लेन ऐसा उल्टा उल्टा हो रहा था। अभी अपन इसको ना सीधा हवा की तरफ उड़ाने वाले, और होपफुली इस बार उड़ेगा। ट्राई कर, ये देख इधर ही ऐसा हो रहा है। देखा, अरे आ ही नहीं रहा है। ओ भाई एक्चुअली उड़ रहा है बहुत देर तक ये। प्लेन उड़ा बहुत ज्यादा टाइम तक, परेड में सीधा जमीन पे अपन क्या आके अपन लैंडिंग नहीं करते, बस अपने को उड़ा। हम लोग ले वो हमारे यहाँ पे तुमने लैंडिंग के पैसे नहीं दिए, ठीक है? तुमने सिर्फ उड़ने के पैसे दिए, हम उड़ा देंगे, ठीक है? सब चीज के पैसे नहीं दिए, उड़ने का पैसा दिया, हम प्लेन तुमको उड़ा के दे देंगे, लैंडिंग का पैसा दोगे लैंड कराएंगे। वो कितना रुपया देना देता एक्स्ट्रा? कौन सा लैंडिंग का बोल रहा है? अरे वो बंदा पैराशूट में उतरता ना भाई, इतना रुपया ले ले बस लैंड करा दी। अरे नहीं रे, नहीं 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 याद है। हाँ वो उतना, वो जो भी पैसा था वो पैसा नहीं दिया उतना, इसलिए अपन लैंड नहीं कराएंगे। ये देखो अपना बैकअप इतना लेट आया सब प्लेन उतरने के बाद। अरे सुन ना, वो कितना रुपया मांगता है लैंडिंग कराने के लिए एक्स्ट्रा? 2000 रुपया। कौन लैंडिंग? अरे वो पैराग्लाइडिंग करता ना बंदा, ऐसा वही एक्जैक्टली गाइस, 100-200 रुपया एक्स्ट्रा किसी ने दिया नहीं था, इसलिए प्लेन अपना लैंड नहीं करता है, डायरेक्ट गिर जाता है नीचे। ओके अभी अपना तीसरा पायलट आया है जो सबसे ज्यादा लैंडी पायलट है, और अभी ये पायलट उड़ाने वाला है। अरे बंद कर उसको इंजन को। ये इंजन का है, इसको आज बालू पड़ रहा है, उस दिन से प्लेन देख रहा है, इसको आज बालू पड़ रहा है इंजन का क्या है क्या इंजन का नहीं है। ओके गाइस पायलट चेंज, अभी ये आखिरी पायलट, चौथा पायलट है, और अगर ये पायलट सही से प्लेन को उड़ा लिया तो इसको अपन कुछ नहीं देंगे। उड़ा तो अच्छा उड़ाया बोल रहा है, मेरा ऐसा कान के बाजू से गया, मेरा एक कान बजाया था अभी। ओ भाई यार आज आरसी प्लेन के साथ खेल के लिटरली बहुत मजा आ गया। सो एनीवे गाइस आज का वीडियो यहां पर ही एंड होता है। आई होप सुन सभी को आज का वीडियो देखकर मजा आएगा, अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो तक के लिए, बाय-बाय।